नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों स्वागत है आज एक और नई वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल वीरू भाई ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का। तो दोस्तों मैं यहाँ एज ए एसी टेक्नीशियन यूएई में जॉब करता हूँ, दुबई में जॉब करता हूँ। तो यहाँ से जो है आप लोगों के लिए वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता हूँ। तो वैसे तो जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उन सभी लोगों को ये बात पता होगी, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ से आप लोगों के लिए जो है हर किस्म की वीडियोस बनाता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। जो भी आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछते हो, जानकारी लेना चाहते हो, उन सभी चीज़ों पर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और आप लोगों को जानकारी देता हूँ। तो अगर आप लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक जो है आसानी से पहुँच जाए। और अगर आप लोग भी यहाँ के विषय में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जो है वीडियो या जो है आपको इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा, किसी न किसी तरीके से वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा और आप तक वो जानकारी मैं पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक दोस्त ने जो है कमेंट किया है कि YouTube पर कि जो है यहाँ दुबई में जो है एसी का जो काम है वो 3 फेस होता है, क्या सारे एसी 3 फेस के होते हैं। तो मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बनाते हैं, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो लोग यहाँ पर नए आना चाहते हैं उन लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता होगा, तो उनका जो है आज मैं ये भ्रम दूर करूँगा, बताऊँगा उन लोगों को कि यहाँ पर कौन से एसी और कौन सा फेस का एसी चलता है, यानी सिंगल फेस है या 3 फेस है। तो ये सब विषय में आज बताऊँगा। तो वीडियो उतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं यहाँ पर जो है कितने फेस के एसी चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो है 3 फेस और सिंगल फेस हर किस्म के एसी चलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे एसी जो है 3 फेस के ही हों, जो 1 टन का है, 1.5 टन का है, 2 टन का है और 2.5 टन का है, 3 टन का है, ये जो भी एसी होते हैं ये जो है सिंगल फेस के ही होते हैं। लेकिन 3 टन के जो एसी होते हैं इनमें से 3 फेस भी आने लगता है। 3 टन का जो एसी होता है इसमें जो है 3 फेस भी आता है। 3 टन से जितना ऊपर जाओगे वो सारे एसी आपको 3 फेस के मिलेंगे। लेकिन जो छोटे एसी हैं, यानी कि जो स्प्लिट एसी हो गया, इन एसीयों में विंडो एसी हो गई, ये सारे सिंगल फेस ही होते हैं। इनमें कोई भी 3 फेस का कोई भी चक्कर नहीं होता है, बिल्कुल इनका सिस्टम सिंपल होता है, जैसे अपने यहाँ होता है, जैसे अपने यहाँ आप लोग काम करते हो वैसे यहाँ पर भी लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर आओगे आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी काम करने में, हालांकि आपके अंदर अगर थोड़ा बहुत डर है तो वो भी धीरे धीरे निकल जाता है यहाँ पर आने के बाद में काम करते करते। उसके बाद में जब आपका डर निकल जाता है तो फिर आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 3 फेस के एसी आपको जो भी देखने को मिलेंगे वो 3 टन से ऊपर होंगे, यानी कि 3 टन में ही। अगर फ्री स्टैंड है तो फ्री स्टैंड भी जो है वो आता है 3 फेस में, तो फ्री स्टैंड 3 फेस में आता है। उसके ऊपर आपको जो भी एसी आपको देखने को मिलेंगे, पैकेज हो गया, डक्टेबल हो गया, ये जो भी आपको एसी मिलेंगे वो सारे एसी यहाँ पर 3 फेस होते हैं। लेकिन जितने भी छोटे एसी होंगे वो जो है सिंगल फेस में ही होंगे। तो ये मैं कहीं पर जाऊँगा काम करने के लिए तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगा, वहाँ पर अंदर का कनेक्शन हर चीज़ दिखाऊंगा कि सिंगल फेस है, कितना फेस है, ठीक है। तो आप लोग को और भी अच्छे से मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ये छोटा सा वीडियो मैंने आप लोग के साथ आज अपलोड किया है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उन लोग के साथ में ज़रूर शेयर करिए, और जो लोग जो है यहाँ की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं उन लोग के साथ में जो है शेयर करिए। तो अगर आप लोग के दिमाग में भी कुछ ऐसी जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा ही पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, मैं उसका जो है वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और काम अभी समय ज़्यादा चल रहा है इसीलिए जो है
व्हाट्सएप पे भी लोगों को लेट में रिप्लाई दे पाता हूँ और यूट्यूब पे भी, तो कोई मुश्किल नहीं। मैं जो है आप लोग को जवाब ज़रूर दूंगा, रिप्लाई ज़रूर दूंगा, लेकिन हो सकता है काम पे हूँ, ड्यूटी थोड़ा कभी कभार लंबी हो जाती है जिसकी वजह जो है टाइम नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा लेट में देता हूँ, लेकिन कोई चक्कर नहीं, मैं ज़रूर रिप्लाई आप लोगों को दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।